वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल धमाका कोचिंग। मैं विष्णुपाल आपका मैथ्स टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सॉल्व कराऊंगा एक्सरसाइज 6.2 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इन फिगर डी पैरेलल एसी एंड डी एफ पैरेलल एई, प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल बी ई अपॉन ई सी है। ठीक है, ये फिगर है। इस फिगर में डी ई पैरेलल है ए सी के। ये डी ई जो है ए सी के पैरेलल है और डी एफ जो है ए ई के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल बी ई अपॉन ई सी हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवेन जो है ये और ये गिवेन है, मैंने लिख दिया इतना। और हमें प्रूफ क्या करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल बी ई अपॉन इसी है। तो हम लोग देखिए थेल्स थ्योरम के यूज से, थेल्स थ्योरम के मदद से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग हमको दिया डी ई पैरेलल ए सी के। तो देखिए डी ई पैरेलल है ए सी के, इसका मतलब ये जो है ये साइड, ये ए सी और ये डी ई, ये मतलब ये ट्रायंगल के अंदर है, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर है। तो इसमें हम लोग थेल्स थ्योरम लगा देंगे। यहाँ मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल ए सी, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम से आपका हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी हो गया, बी अपॉन ई सी इक्वल होगा बी डी अपॉन डी ए के, बी डी अपॉन डी ए के। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या है कि डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो देखिए डी एफ आपका ये है, ए ई ये है, तो कह सकते हैं ये ट्रायंगल ए बी ई में है। किस ट्रायंगल में है, ए बी ई में है। यहाँ मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल ए बी ई डी एफ पैरेलल ए ई है, डी एफ पैरेलल क्या है ए ई है, देयरफॉर बाई थेल्स थ्योरम। इस ट्रायंगल में भी कौन सा थ्योरम लगाएंगे, थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो जब थेल्स थ्योरम में लगाऊंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं डी एफ पैरेलल ए ई के, तो बी एफ अपॉन एफ ई हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई हो गया। और ये आपका इक्वल हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए के, बी डी अपॉन डी ए के। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन में 1 और 2 में आर एच एस सेम है, तो इसलिए एल एच एस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दूँगा फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन देखिए आर एच एस सेम है, तो एल एच एस क्या होगा, अपने आप ही सेम हो जाएगा। तो बी ई इज इक्वल टू अपॉन मैं लिख सकता हूँ ई सी इक्वल, ये आपका हो गया बी डी, ये बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई, तो इसी को मैं रिवर्स करके लिख सकता हूँ। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन कर सकता हूँ, बी एफ अपॉन एफ ई वी कैन राइट हियर इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी हो गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, हेंस प्रूफ नीचे लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इन फिगर डी ई पैरेलल ओ क्यू, फिगर में देखिए डी ई कहाँ है, डी ई पैरेलल ओ क्यू के, डी एफ कहाँ है, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। शो करना है क्योंकि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। तो आइए देरी न करते हुए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहले गिवन जो उसको लिख दीजिए, गिवन डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर। ठीक है, वी हैव टू शो दैट
वी हैव टू शो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर, ठीक है, इतना प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये है डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, तो ये किस ट्रायंगल में है उसी ट्रायंगल में लगा देंगे। डी ई आपका कहाँ गया, इसको हम लोग इस ट्रायंगल में कह सकते हैं डी ई ए हो गया और ओ क्यू हो गया, इसको हम कह सकते हैं पी ओ क्यू में है, ठीक है, पी ओ क्यू में, तभी उसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या है, डी ई पैरेलल ओ क्यू, ठीक है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, देयर फोर बाई थेल्स थ्योरम, इसमें कन्वर्स भी लगेगा, ठीक है, थेल्स थ्योरम से क्या होगा, पी ई अपॉन हो गया आपका ई क्यू, ठीक है, और पी डी अपॉन कितना हो जाएगा डी ओ, ठीक है, ये इतना हो गया। इक्वेशन नंबर आपका ये हो गया वन, ठीक। उसी तरह डी ई डी एफ पैरेलल ओ आर के अगेन इन ट्रायंगल डी एफ कहाँ है, डी एफ ओ आर जो है पी आर ओ या पी ओ आर ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इस ट्रायंगल में देखिए क्या है, इस ट्रायंगल में है डी एफ पैरेलल है किसके है ओ आर के, ठीक है, तो इसमें भी वही काम करूँगा, देयर फोर बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, रेशियो मैं यहाँ निकाल लूँगा पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू हो गया, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन वन और टू दोनों में आर एच एस सेम है, इसलिए एल एच एस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशंस वन एंड टू, आर एच एस सेम है, तो एल एच एस क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। तो अब देखिए पी ई अपॉन ई, अब यहाँ पर मैं कन्वर्स लगा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि रेशियो सेम दिया है। तो देखिए पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर के, तो पी ई अपॉन ई क्यू हो गया पी एफ अपॉन एफ आर, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ई एफ है, जो एक लाइन ई एफ है, वो क्या कर रहा है, पी क्यू और एफ पी आर को सेम रेडियो में, सेम रेशियो में डिवाइड करता है या कर रहा है, ठीक है। देयरफोर by converse of Thales theorem, Thales theorem के converse से क्या हो जाएगा, तो देखिए therefore by converse of Thales theorem से क्या हो जाएगा, EF पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, तो आपका ये प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली। फिगर में देखिए ए बी और सी, ए बी और सी, ए ओ पी पर है, बी ओ क्यू पर है, सी जो पॉइंट है ओ आर पर है, ठीक है। हमें क्या शो करना है कि बी सी पैरेलल है क्यू आर, तो जो गिवन मैंने उसको लिख दिया ए बी पैरेलल पी क्यू एंड ए सी पैरेलल पी आर, प्रूफ करना है बी सी पैरेलल क्यू आर। तो इसमें भी पहले मैं थेल्स थ्योरम लगाऊंगा, फिर उसका क्या लगाऊंगा, कन्वर्स थ्योरम मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, तो यहाँ मैं लिखूंगा, देखिए सबसे ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो मैं
देखिए ए बी पैरेलल पी क्यू किस ट्रायंगल में इसको कह सकते हैं, ए बी पैरेलल पी क्यू, इसको हम लोग ट्रायंगल पी ओ क्यू में कह सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू ना, ए बी पैरेलल पी क्यू है। देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका, ओ ए अपॉन ए पी हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी हो गया इक्वल हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू के, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास ये भी है ए सी पैरेलल है पी आर के, तो मैं यहाँ लिखूँगा ए सी पैरेलल पी आर किस में है, ए सी पैरेलल पी आर, इसको हम लोग ट्रायंगल ओ पी आर कह सकते हैं, अगेन इन ट्रायंगल ओ पी आर। इस ट्रायंगल में देखिए क्या है, ए सी है आपका पैरेलल किसके है, पी आर के है। देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम से तो आपका थेल्स थ्योरम से यहाँ मैं लिख दूंगा ओ ए अपॉन ओ पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल ओ सी अपॉन सी आर, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू हो गया, ठीक है। तो आप इक्वेशन नंबर वन और टू से देखिए एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशंस वन एंड टू क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल लिख सकते हैं ओ सी अपॉन सी आर, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। इक्वेशन नंबर आपका हो गया थ्री हो गया। ठीक, अब देखिए इक्वेशन नंबर थ्री हो गया, तो अब ये जो सेम रेशियो आया है वो इस ट्रायंगल में कह सकते हैं ओ क्यू आर में, तो क्यू आर में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बी सी आपका लाइन है वो ओ क्यू और ओ आर साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सेम रेशियो आया है मैं इस ट्रायंगल में यूज करूँगा और कन्वर्स जो थेल्स थ्योरम का उससे कह दूँगा कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के, इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, बी सी पैरेलल क्यू आर। नोट कर लीजिए, इस तरह से तीनों जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर आपका सेवन एट नाइन, सेवन एट नाइन टेन को जो है सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।